फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ओवल हार्ट लाइन सर्कल के थ्रू एक बटरफ्लाई ड्रॉ करना सिखाएंगे। एक नंबर के ओवल को हम फेस पे लगाएंगे, ऐसे ही दो और तीन वाले ओवल को हम बॉडी में जॉइंट करेंगे। हार्ट को हम बटरफ्लाई के पंख में जॉइंट करेंगे। थर्ड वाली लाइन को हम बॉडी के बीच में धारीदार लाइन बनाएंगे। फोर्थ में हम पंख के बीच में सर्कल बनाएंगे। इस तरह बहुत ही इजी मेथड से हमारा बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। चलिए एक नए पेज पे बटरफ्लाई ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अगर आपके पास A4 साइज का पेपर नहीं है तो आप कोई भी नोटबुक पे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने छोटा सा ओवल साइज का एक फेस बनाया है। आप चाहो तो गोल भी बना सकते हो। डॉट देखकर 3 ईयर्स के बच्चों को सिखाइए। अगर बच्चे बड़े हैं, 6 ईयर्स के हैं या 10 ईयर्स के हैं, तो वो मेरे वीडियोस देखकर आराम से बना लेंगे। हमने तीनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया एक दूसरे से और हमारा ये बटरफ्लाई का बॉडी रेडी हो गया। चलिए अब विंग्स बनाते हैं, यानी कि पंख बनाना शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, हार्ट शेप का बनाना है। आप चाहो तो डिफरेंट साइज का भी पंख बना सकते हो। ये जस्ट मैंने सिंपल मेथड यूज़ किया है, इसीलिए मैं हार्ट शेप का बना रही हूँ। देखिए, मैंने एक बार वीडियो में एप्पल भी इसी साइड से बनाया था, तो आप हार्ट शेप बोलिए या हल्का सा एप्पल का शेप भी देकर पंख को बना सकते हैं। आप चाहो तो दो के बदले तीन पंख भी ज्वाइन करवा सकते हो। हम पंख को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। ये एकदम सिंपल सा मैं बटरफ्लाई का ड्राइंग लेके आई हूँ। बहुत सारे डिफरेंट तरीके से बटरफ्लाई बनता है, तो मैं हमेशा इजी मेथड लेके आती हूँ। देखिए, बीच में भी हमने हार्ट को ड्रॉ किया है। अगर बच्चा प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। छोटा बच्चा है, अगर वो हल्की टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी कर रहा है तो भी आप उसको प्रैक्टिस कराइए, आगे चल के वो प्रॉपर तरीके से बनाना सीख जाएगा। ये देखिए, हमारा मोस्टली बटरफ्लाई रेडी हो गया है। अब मैं जो स्लीपिंग लाइन है उसको बीच में बॉडी के पार्ट्स में खींच रही हूँ, लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जिससे बटरफ्लाई और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे। बटरफ्लाई को आप कलरफुल कलर ज़रूर कीजिएगा, तभी वो बहुत ही प्यारा लगता है। मैं अपनी वीडियोस की एंड में इस बटरफ्लाई को कलर ज़रूर करूँगी, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा और मुझे बताइए ये इजी मेथड वाला बटरफ्लाई आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको ये बटरफ्लाई पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कीजिए, ताकि मेरे जितने भी इजी मेथड वाले वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपके बच्चे लॉकडाउन पीरियड में घर पे ड्राइंग सीख सके। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरा हर एक वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। देखिए, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगी। मैंने मार्कर पेन से आउटलाइन किया है। आपके पास मार्कर पेन नहीं हो तो ब्लैक कलर के स्केच पेन या ब्लैक कलर के क्रेयॉन्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं आउटलाइन के लिए। अब मैं कलर कर रही हूँ। लॉकडाउन पीरियड का टाइम है, हम जानते हैं, मेरे पास यही कलर अवेलेबल है। आपके पास जो भी कलर हो आप उसे इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कलर आप बटरफ्लाई में यूज़ करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, अगर आप डार्क कर रहे हैं तो उसके साथ लाइट कलर का कॉम्बिनेशन ज़रूर दीजिए। जैसे कि मेरे पास अभी ज़्यादा कलर है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छी तरह आपको कलरिंग नहीं करा के बता पा रही हूँ। देखिए, मैंने मोस्टली पूरा बटरफ्लाई को कलर कर लिया है। बस मैं इसका फेस को भी और अच्छी तरह कलर कर रही हूँ, ताकि बटरफ्लाई और प्यारा लगे। आप इसे घर पे जरूर ड्रॉ करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके बच्चों को बटरफ्लाई कैसा लग रहा है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा बटरफ्लाई रेडी हो गया। मैंने दोनों बटरफ्लाई को कलर कर दिया है। तो दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। वेट कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। बाय।